रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले आरोपी के खिलाफ लगी रसुका, नकली मिले थे इंजेक्शन। यूपी में ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार सख्त एक्शन ले रही है। इसी सिलसिले में कानपुर में एक शख्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में एक माह पहले गिरफ्तार सचिन कुमार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। आपको बताते चले कि कानपुर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने बताया, एक माह पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में हरियाणा के सचिन कुमार के अलावा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सचिन कुमार के खिलाफ रसुका लगाया है। उन्होंने बताया कि सचिन के पास से बरामद इंजेक्शन जांच के बाद नकली पाए गए थे। कोविड महामारी के नियंत्रण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करने वाला जो भी अनस्क्रुपुलस एलिमेंट्स हों, जिससे जनता के हितों की हानि पहुंच रही हो, उनसे कठोरता से निपटने के स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए थे। इस क्रम में प्रशासन ने इस तरह के किसी भी कृत्य को बहुत गंभीरता से लिया है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस था जिसमें सचिन कुमार नामक व्यक्ति रेमडेसिविर के नाम से नकली दवाओं को बेचने का प्रयास कर रहा था। वो उसको पुलिस ने पकड़ा था। भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर के वायल्स बरामद हुए थे। इस तरह के कृत्य से आम जनमानस में दवाओं के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, वो उसको आघात पहुंचता है, जिससे महामारी नियंत्रण के प्रयासों को गंभीर धक्का लगता है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में इसको पूरी गंभीरता से लिया गया और सचिन कुमार के विरुद्ध NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, ताकि वो जेल से बाहर आकर फिर से इस तरह के कुकृत्य को कारित न कर सकें। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।